वीडियो में मैं आपको पहले इसकी वर्किंग दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इनलेट वाल्व किस तरीके से काम करता है, कैसे ये अपने आप पानी को बंद करता है और चालू करता है। तो आप देखिए प्याली यहाँ से इनलेट होगा, सबसे पहला यहाँ से जाएगा पानी और इसको एक एक धीरे धीरे खोलना जब मैं बताऊँ तो, है ना। और आप इसको उठाएं एक मिनट, उससे पहले ये कप देखें, ये कप जो है ये वाटर लेवल का है, ये कप ऊपर जाता है, जब पकड़ो ऊपर उसको, जब ये ऊपर जाता है पानी के साथ में तैरता हुआ, अंदर से ये पूरा खाली है, पानी के साथ तैरते हुए ऊपर जाएगा ये, तो पानी इस लीवर को ये उठा देगा और उसके उठने से सामने यहाँ पर होल है, अभी हम खोल के दिखाएंगे, ये होल बंद हो जाएगा, उसकी वजह से पानी अंदर आना बंद हो जाएगा और जब पानी खाली होगा फ्लश हो जाएगा तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद ये फिर से होल खुल जाएगा यहाँ का, तो पानी इनलेट होने लग जाएगा। ये वॉल्व किस तरीके से काम करता है ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, खोलो इसको, पानी का लेवल एडजस्ट करने के लिए इसको ऊपर नीचे घुमाएंगे तो ऊपर नीचे होगा ये, तो इस तरीके से पानी का लेवल हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, अब जो मैंने बताया था आपको पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर कहाँ से जा रहा है, पानी सबसे पहले वो जो ये पाइप दिख रहा है आपको वहाँ से उस इससे होता हुआ इस पाइप में जाएगा अंदर, इस पाइप से इस वॉशर के थ्रू निकालो, इसमें आप देखिए नीचे लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये लॉक और ये दोनों अपनी जगह पे बैठेंगे और अलग नहीं बैठेंगे, इसको हम निकाल के अलग रख देंगे। इसमें ध्यान रखिए कि चारों तरफ की ओरिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। अब जो मेन ये जो वाला जो आपको छन्नी दिख रही है, जो स्ट्रेनर दिख रहा है, लोगों को कई बार ये भ्रम होता है कि ये जो स्ट्रेनर है ये पानी को साफ़ करता है अंदर जाने वाले पानी को, लेकिन ये जो स्ट्रेनर है ये उस पानी को साफ़ कर रहा है जो कि इसके डायफ्राम वॉशर को ऑपरेट कर रहा है, ना कि जो पानी अंदर जा रहा है टैंक के अंदर। टैंक के अंदर जो पानी जा रहा है वो देखिए ये साइड से होल दिख रहा है आपको, यहाँ से होके अंदर जाएगा, इस होल से होके जाएगा और ये बीच में जो आपको होल दिख रहा है सेंटर में, ये रॉड जो दिख रही है आपको, इसके चारों तरफ से पानी अंदर जाएगा इस जाली से होते हुए, इस जाली में जाएगा, इस जाली में चारों तरफ रबर लगी हुई है तो जो भी पानी आएगा वो पीछे जाएगा, इस होल से होता हुआ डायफ्राम वॉशर के अंदर जाएगा, डायफ्राम वॉशर जो है वो अंदर से फूलेगा तभी अंदर उसका लॉक बंद होगा। इसको बाहर निकालो, ये देखिए अब ये जो निकल रहा है, देखिए अभी जो पानी में आपको बोल रहा था भरने का, ये पानी यहाँ से होता हुआ जा रहा है, ये गया जा रहा है यहाँ से होते हुए, इन जो चारों तरफ होल दिख रहे हैं आपको, ये जो होल दिख रहे हैं इन होल से होता हुआ अंदर जाएगा, और आपको अभी डायफ्राम वॉशर लगा दिख रहा है, जब ये डायफ्राम वॉशर पीछे हटता है ऐसे, जब हट गया पानी के जब सक्शन के पैदा होगा तो ये पीछे हटेगा तो होल से पानी अंदर जाएगा और बीच से यहाँ से अभी मैं दबा रहा हूँ जिस जगह से, वहाँ से पानी होता हुआ बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद इनलेट वाल्व उठा, इनलेट वाल्व का जो सेंटर वाला जो हिस्सा है इस होल से होता हुआ सेंटर वाले होल से होकर अंदर जाएगा और अंदर जाके यहाँ पर ये भरने के काम आएगा, ठीक है। तो ये पानी का मेन पानी का फ्लो हो गया जो भरने के काम आता है, और दूसरा जो पानी है दूसरी तरफ जो पानी जा रहा है इसको ऑपरेट करने के लिए, वो कहाँ से जा रहा है, वो जैसे मैंने बताया था आपको ये सेंटर होल से जा रहा है, सेंटर में जो रॉड बनी हुई है, इस रॉड से अंदर जाने के बाद एक ये ध्यान रखिए इसको कि ये छोटी सी ओरिंग लगी हुई है, ये ओरिंग नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, ये दो हिस्सों में है, जब हम इसको निकालेंगे तो पहले ओरिंग को निकाल लेंगे, इस ओरिंग को निकालो, ठीक है, इसको संभाल के रख लेंगे ताकि ये कहीं बाथरूम में टॉयलेट में गिर नहीं जाए, हालांकि ये ओरिंग अलग से मिल जाएगी, 6 रुपये की ओरिंग है मात्र। तो अब आपने देखा कि ये पानी पीछे गया, पीछे से यहाँ से जो सेंटर था यहाँ से होता हुआ इधर आ रहा है और इसके बैक साइड में इकट्ठा हो रहा है पानी, निकालो उसको डायफ्राम वॉशर को, ठीक है, ये डायफ्राम वॉशर का जो रॉड दिख रही है आपको रॉड के अंदर इकट्ठा होगा। तो डायफ्राम वॉशर क्या करता है कि डायफ्राम वॉशर बैलून की तरह फूलता है, जब इसके अंदर पानी पीछे जाता है तो ये बैलून की तरह फूलता है, आगे जाने की कोशिश करता है, ये जगह रुका हुआ है, और जब ये इसके अंदर से प्रेशर कम होता है तो पीछे हट जाता है, तो ये डायफ्राम जो है स्प्रिंग की तरह काम करता है, ये इस तरीके आपको दबता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जब पीछे जाएगा तो पानी खुलेगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा, जब आगे जाएगा और इसके पीछे प्रेशर भरा होगा तो ये आगे दबा के रखेगा, कौन सी जगह को, ये यहाँ पर जो होल से पानी जा रहा है इसको यहाँ पर रोकेगा, इस जगह पर, इस जगह कनेक्टेड हो जाएगा बीच में, तो ये दबा के रखेगा जब,
तो ये उस पानी जो अंदर जा रहा है उसको रोक लेगा। पानी हमने देखा कि यहाँ से चारों तरफ से आ रहा है, चारों तरफ जो होल बने हुए हैं गोल छोटे छोटे, उन होल से होता हुआ डायफ्राम वॉल से जब पीछे जाएगा तो पानी अंदर जाएगा और वहाँ से फिर बीच में से होता हुआ पानी इससे होता हुआ भर जाएगा। ये इसकी वर्किंग है। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है, पहली चीज़ डायफ्राम वॉशर, नॉर्मली जो 99% प्रॉब्लम आएगी डायफ्राम वॉशर के चारों तरफ जो होल बने दिख रहे हैं आपको, इन होल्स में कचरा फंस जाता है और डायफ्राम वॉशर अपनी जगह पर नहीं बैठ पाता है। आप इसको खोल के साफ़ कर देंगे अच्छे तरीके से तो ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना डायफ्राम वॉशर क्लीनिंग का है। एक दूसरी जगह क्या है जो आप पानी ऊपर देख रहे थे, राइट, एक मिनट ये सो तो बोल। अब जो दूसरा हिस्सा है इसका, वो मैंने आपको दिखाया था, ये पीछे वाला होल से पानी अंदर आ रहा था, यहाँ से होते हुए डायफ्राम वॉशर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है डायफ्राम वॉशर कब पीछे हटेगा, तो इसको पीछे हटाने के लिए जो प्रेशर काम करता है वो यहाँ से होता हुआ जाता है। आप देखिए होल दिख रहा है आपको ऊपर, फोकस नहीं कर रहा, रोशनी ज़्यादा है, ये होल जो दिख रहा है आपको क्लियर क्यों नहीं दिख पा रहा है, हाँ जी देख, तो ये होल से होता हुआ, ये होल जो है इसमें आ रहा है, यहाँ पे आपको जो ट्यूब दिख रही है ये ट्यूब में आ रहा है और ट्यूब से होता हुआ ये जो डायफ्राम, इधर पे एक छोटी सी ओरिंग लगी हुई थी काली रंग की जो यहाँ लगाई है, ये इस ट्यूब से होता हुआ अंदर पीछे जा रहा है प्रेशर, और प्रेशर यहाँ आके इसके सामने होता हुआ, इसको निकालो, इसको निकालने का तरीका भी देख लीजिए आप लोग। पूरा निकाल लीजिए जरूर, ठीक है, देखिए इस तरह कोई भी नुकीली चीज़ से आप इसको इसको फैलाएंगे दोनों तरफ से तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। संभाल के करना है कि टूट नहीं जाए, पेचकस से अच्छी तरीके से निकल जाता है, इस तरीके से ये बाहर आ गया, ठीक है, ये अपना बाहर आ गया। तो यहाँ पर एक रबर है आप देखेंगे एक बैक साइड में, यहाँ इसका मसला है, ये आप देखिए ये काले रंग की रबर आपको सेंटर में दिख रही है इस जगह पर, ये रबर जो है इस छेद को रोक के रखती है, ये आपको सेंटर में दिखेगा छेद, हाई क्वालिटी में बनाएंगे तो सर बिगड़ जाएगा। चलो इस सेंटर में इसके एक छेद है, ये देखिए दिखा रही, मतलब ये सेंटर में जो होल है ये होल को बंद करके रखता है, जब तक ये होल बंद होगा ये पूरा एक ट्यूब के थ्रू यहाँ से आ रहा है, साइलेंट कर लो प्लीज़ यार। तो ये होल से होता हुआ पानी यहाँ से पूरा जो प्रेशर है यहाँ होता हुआ और यहाँ पे आके रुका रहता है, जब तक ये यहाँ रुका रहेगा प्रेशर, ये इस तरीके से अगर हम हाथ से ही बंद कर लेंगे इस होल को तो अंदर पानी प्रेशर बन जाएगा, और ये प्रेशर जो बनेगा वो डायफ्राम वॉशर के बैक साइड में प्रेशर क्रिएट करेगा, जो तो डायफ्राम वॉशर जो है आगे पुश रहेगा, जब तक आगे पुश रहेगा जो आपको अभी चारों तरफ होल दिखाई दे उसके चारों तरफ, तो ये पानी रुका रहेगा, और जब जैसे ही ये हटेगा तो प्रेशर उसके डायफ्राम वॉशर के पीछे हटेगा, डायफ्राम वॉशर के पीछे तो प्रेशर कम होगा, और क्योंकि सामने की तरफ जो भी पानी आ रहा है प्रेशर से आगे पीछे धकाने की कोशिश कर रहा है डायफ्राम वॉशर को लगातार, लेकिन डायफ्राम वॉशर के पीछे से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो उसको रोक के रख रहा है, तो मतलब दोनों तरफ प्रेशर बराबर होने की वजह से पानी रुका रहता है। जैसे ही लेकिन बैक साइड का पानी यहाँ से निकल जाता है, पिचकारी मार के यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ये हटेगा बंद हट जाएगा ये, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और इस एरिया में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है यहाँ से होता हुआ, इससे होता हुआ डायफ्राम वॉशर के बैक साइड में, तो वो प्रेशर रिलीज होने की वजह से ये डायफ्राम वॉशर पीछे हट जाएगा, वो तब तक पीछे हटा रहेगा जब तक कि ये इसका होल वापस बंद नहीं हो जाता। जैसे ये होल बंद होगा, जैसे आपका लीवर ऊपर गया, यहाँ से पानी भरा ये ऊपर गया, ऊपर करने की वजह से यहाँ से लीवर से जो कनेक्शन आपने दिखाया था वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से ये होल बंद होगा, और बंद होने से ये प्रेशर वापस अंदर डायफ्राम वॉशर के पीछे क्रिएट हो जाएगा इस पूरे एरिया में, और ये क्रिएट होने की वजह से प्रेशर डायफ्राम वॉशर आगे की तरफ दब जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग मेथड है कम्प्लीटली, है ना। तो जब भी आपको अगर लीकेज होता है तो दो वजह से ही होगा, या तो ये ख़राब हो गया है आपके चारों तरफ, सॉरी कचरा जम गया है इसके चारों तरफ, या ये डायफ्राम वॉशर वर्न आउट हो गया है, टेढ़ा हो गया है, अगर आपको दिखेगा कि कुछ टेढ़ा हो रहा है डायफ्राम वॉशर तो डायफ्राम वॉशर बदलना है, या फिर तीसरी चीज़ ये होल और ये जो रबर है बैक साइड में आपको दिख रही है इसके सेंटर में, ये रबर अगर यहाँ पर हार्डनेस जम गई तो ये पानी लीक करेगा, कचरा जम जाता है, अगर इसमें होल में कचरा जमेगा तो पानी अंदर आना बंद होगा, अगर ये होल बंद हो गया कचरे की वजह से या फिर हार्डनेस की वजह से, कैल्शियम की वजह से,
तो ये पानी इसमें आना बंद हो जाएगा परमानेंटली, आप कुछ भी करेंगे पानी नहीं आएगा जब तक ये होल नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है टोटल।